Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 5, precipitation, and in this part of the chapter we had learned about the rain gauge, and then we had learned about the fog, dew and frost. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is effect of precipitation. Then now listen carefully. Effects of precipitation. The main source of potable water available on the earth is precipitation. तो हमारे अर्थ के ऊपर जो पीने लायक पानी है या पोर्टेबल जो पानी है, पोर्टेबल जो वाटर है, वो सिर्फ precipitation से हमें मिलता है, यानि बारिश से मिलता है. And excessive rainfall is destructive, so is the absence of rain. तो जिस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से बहुत से सारे हमारे जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्लड आ जाता है, बहुत से सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं. उसी तरह से अगर रेनफॉल नहीं होती तो भी नुकसान होता है, तो भी हमारे क्रॉप्स नहीं आ पाते, पीने के लिए पानी कम वहाँ पर मिलता है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ जाते हैं. फ्लड्स में ऑकर बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल causes loss of life and property. तो फ्लड अगर कभी आते हैं तो उसकी वजह से हैवी रेनफॉल की वजह से अगर फ्लड कभी आते हैं तो उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का वहाँ पे लॉस होता है, नुकसान होता है. मतलब जो जीवित हानि है, कोई हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो पेट एनिमल है वो, उसके साथ साथ कुछ ह्यूमन बीइंग्स और जो प्रॉपर्टी है, मतलब जिसमें हमारे क्रॉप्स भी आ सकते हैं, कुछ बिल्डिंग्स आ सकते हैं, है ना, तो ऐसी सारी चीज़ों का भी लॉस वहाँ पे हो सकता है. इफ़ प्रेसिपिटेशन डज नॉट टेक प्लेस देन कंडीशन ऑफ ड्रॉट अराइज. अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो ड्रॉट वहाँ पे होता है, ड्रॉट जैसी कंडीशन वहाँ पे हो जाती है. देर इज़ अ शॉर्ट फॉल ऑफ फूड एंड फूड मे हैव टू बी इम्पोर्टेड. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है, यानी जो भी सारा ग्रेन वाला, ग्रेन वाले जो भी क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से आ नहीं पाते और उनका शॉर्टेज कंट्री के अंदर हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो फूड है वो अदर कंट्रीज से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. फार्मर्स कंडीशन बिकम्स ग्रेव. और जो फार्मर्स होते हैं उनकी कंडीशन बुरी हो जाती है, दुखदायी वहाँ पर हो जाती है. अ कंट्रीज इकोनॉमी गेट अफेक्टेड. और देश की, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर होता है. इकोनॉमी ऑफ द एग्रीरियन कंट्रीज लाइक इंडिया इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो मतलब ऐसी सारी कंट्रीज जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ना, जो खेती के ऊपर डिपेंड है, ऐसी सारी कंट्रीज उनकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है. और रेनफॉल अगर ज़्यादा हुई या नहीं हुई तो उस कंट्री की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है. एग्रीकल्चर इन इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंट इज़ डिपेंड ऑन द मॉनसून. तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर डिपेंड है. हैंस द रेनफॉल इन इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट टू द होल कंट्री. तो जिसकी वजह से पूरी कंट्री के अंदर रेनफॉल इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जिससे अच्छी तरह से क्रॉप्स आ सके, ग्रेन आ सके और फूड का शॉर्टेज कंट्री में ना हो. अ गुड रेनफॉल एट द राइट टाइम इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन व्हाइल अनटाइमली रेन कैन कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स. तो राइट टाइम पे अगर रेनफॉल होता है, जिस टाइम में रेनफॉल चाहिए, जिस टाइम में मतलब बारिश की ज़रूरत है क्रॉप्स को, उस टाइम में अगर होता है तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरह से बढ़ता है. लेकिन अगर बेमौसमी, जिसे कहते हैं अनटाइमली, इस तरह की रेन होती है तो क्रॉप्स डैमेज होते हैं. द रेनफॉल इन इंडिया इज़ यूनिक, इज़ क्वाइट इरेटिक. तो इंडिया के अंदर की जो रेनफॉल है वो मतलब अनसर्टन ऐसी है, अनिश्चित ऐसी है, जिसे कह नहीं सकते कि वो मतलब होगी ही या नहीं होगी. विजिबिलिटी रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ हाई डेंस फॉग. और बहुत ज़्यादा डेंस ऐसे फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, या दिखना, सामने वाली चीज़ हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते. इट अफेक्ट्स द मेन
The means of transportation like roads, railways, waterways and the airways. तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो मेन्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, इसके ऊपर इस डेंस फॉग का इफ़ेक्ट होता है. एक्सीडेंट्स मे टेक प्लेस इन सच कंडीशन. तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. ट्रेन्स, फ्लाइट एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मे हैव टू बी कैंसल्ड. तो ट्रेन्स और फ्लाइट जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे सर्विसेज हैं वो कैंसिल भी हो सकते हैं. लोगों को यहाँ वहाँ जाने की असुविधा वहाँ पे इस फॉग की वजह से हो जाती है. फ्रॉस्ट इज़ हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड कॉजेस एक्सीडेंट इफ स्प्रेड ऑन द रोड. तो फ्रॉस्ट ये भी क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं. अगर रोड के अंदर ये फ्रॉस्ट ज़्यादा फैल जाता है तो एक्सीडेंट भी होते हैं. फॉग एंड ड्यू डैमेज सम क्रॉप्स बाय स्प्रेडिंग डिसीजेस. और फॉग, ड्यू ये जो है वो भी क्रॉप्स को मतलब डैमेज कर सकते हैं कुछ अलग अलग तरह के जो डिसीजेस हैं उन्हें स्प्रेड करके. वाइल इट मे बी बेनिफिशियल टू सम क्रॉप्स. और कुछ जगहों पे कुछ क्रॉप्स के लिए ये फॉग और ड्यू ये बेनिफिशियल भी होते हैं, फ़ायदे वाले भी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड रेन. देन नाउ लिसन केयरफुली. बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया वेरियस गैसेस गेट मिक्स्ड इन द एयर. तो एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया के इंडस्ट्रियल एरिया और अलग अलग तरह के जो गैसेस हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. गैसेस मतलब हम पॉइजनस गैसेस के बारे में वहाँ पे बात कर रहे हैं. तो ऐसे सारे गैसेस जो है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन वहाँ पे होता है. डिफरेंट एसिड्स आर क्रिएटेड व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर रिएक्ट्स केमिकली विद दीज गैसेस. तो ये सारे जो गैसेस हैं, पॉइजनस ऐसे जो गैसेस हैं, वो एयर में मौजूद जो वाटर पार्टिकल है, वेपर है, उसमें अगर मिक्स हो जाते हैं तो उसका कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से वहाँ पे एसिड बन जाता है. जैसे कि मतलब सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे जो गैसेस हैं वो मतलब वहाँ पे बनते हैं वाटर वेपर में मिल करके. प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर विथ डिजॉल्व्ड एसिड्स रीच द ग्राउंड, सच रेनफॉल इज कॉल्ड एसिडिक रेन. तो प्रेसिपिटेशन के वक्त वाटर के अंदर ये जो गैसेस हैं, ये जो एसिड है, वो वाटर वेपर में या वाटर में वहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है और बूंदों के ज़रिए, बारिश के ज़रिए ग्राउंड पे आता है. और इस तरह की जो बारिश है, इस तरह का रेनफॉल जो है उसे एसिडिक रेनफॉल या एसिड रेन कहा जाता है. दिस रेन इज़ हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसी जो एसिड रेन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है मतलब जीवित ऐसे जो सूक्ष्म जीव है या जीवित जो प्राणी हैं उनके लिए और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज देयर दैट इज़ गिव इट ट्राई, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. तो आपको क्या करना है कि एसिड रेन के जो बुरे इफेक्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, ऑब्टेन करना है और बताना है. ओके, बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. ओके, बाय.